भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के चार चार हाथ कैसे उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। हिंदू पुराणों में विष्णु जी को परमेश्वर के तीन मुख्य रूपों में से एक रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब जब कहीं धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लोग घोर कलयुग जब चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती पर भगवान विष्णु के कल की अवतार की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सबसे ज्यादा मनुष्य रूप में अवतार लिया है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की संपूर्ण छवि और अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है और देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। वह शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं। उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके नीचे वाले बाएं हाथ में पद यानी कि कमल, नीचे वाले दाहिने हाथ में कमोदकी यानी कि गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में पजन्यन यानी कि शंख और ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र विराजमान है। जब शिव जी के मन में सृष्टि की रचना का विचार आया तो उन्होंने अपनी शक्ति से विष्णु जी को चतुर्भुज रूप में उत्पन्न किया और सभी भुजाओं में अलग अलग शक्तियां दी। भगवान विष्णु के दो हाथ मनुष्य के लिए भौतिक फल देने वाले हैं। पीछे की तरफ बने हुए दो हाथ मनुष्य के लिए आध्यात्मिक दुनिया का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के चार हाथ चारों दिशाओं की भांति अंतरिक्ष की चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री हरि के ये चारों हाथ मानव जीवन के लिए चार चरणों और चार आश्रमों के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। पहला ज्ञान के लिए खोज यानी ब्रह्मचर्य, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा वन में वासी यानी कि वन में वापसी और चौथा सन्यासी जीवन। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जो कोई भी इंसान विष्णु के इन चारों हाथों के महत्व को अपने जीवन में समाहित कर लेता है वह सदा सदा ही सुख को परमेश्वर के समीप पाता है। विष्णु पुराण में विष्णु जी की ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन किया गया है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक और रोचक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।